हम सुनाते हैं, आप सुनिए नई नई कहानियां boltikahani.com पर, और एक एडल्ट सेक्शन भी है। आज ही डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप और मजा लीजिए कहानियों का। boltikahani.com पर सुनिए श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित व्यंग रचना ठिठुरता हुआ गणतंत्र। चार बार मैं गणतंत्र दिवस का जलसा दिल्ली में देख चुका हूँ, पांचवी बार देखने का साहस नहीं। आखिर ये क्या बात है कि हर बार जब मैं गणतंत्र समारोह देखता तब मौसम बड़ा क्रूर रहता। 26 जनवरी के पहले ऊपर बर्फ पड़ जाती है, शीत लहर आती है, बादल छा जाते हैं, बूंदा बांदी होती है और सूर्य छिप जाता है। जैसे दिल्ली की अपनी कोई अर्थनीति नहीं है, वैसे ही अपना मौसम भी नहीं है। अर्थनीति जैसे डॉलर, पाउंड, रुपया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या भारत सहायता क्लब से तय होती है, वैसे ही दिल्ली का मौसम कश्मीर, सिक्किम, राजस्थान आदि तय करते हैं। इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ कि मान लो जिस साल मैं समारोह देखता हूँ उसी साल ऐसा मौसम रहता है। हर साल देखने वाले बताते हैं कि हर गणतंत्र दिवस पर मौसम ऐसा ही भूतहीन फिटुलने वाला होता है। आखिर बात क्या है, रहस्य क्या है? जब कांग्रेस टूटी नहीं थी तब मैंने एक कांग्रेस मंत्री से पूछा था कि ये क्या बात है कि हर गणतंत्र दिवस को सूर्य छिपा रहता है, सूर्य की किरणों के तले हम उत्सव क्यों नहीं मना सकते। उन्होंने कहा, जरा धैर्य रखिए, हम कोशिश में हैं कि सूर्य बाहर आ जाए, पर इतने बड़े सूर्य को बाहर निकालना आसान नहीं है, वक्त लगेगा, हमें सत्ता की कम से कम 100 वर्ष तो दीजिए। दिए सूर्य को बाहर निकालने के लिए 100 वर्ष दिए, मगर हर साल उसका छोटा मोटा कोना तो निकलता दिखना चाहिए। सूर्य कोई बच्चा तो है नहीं जो अंतरिक्ष कोक में अटका है, जिसे आप ऑपरेशन करके एक दिन में निकाल देंगे। इधर जब कांग्रेस के दो हिस्से हो गए तब मैंने एक इंडिकेटिव कांग्रेस से पूछा। उसने कहा, हम हर बार सूर्य को बादलों से बाहर निकालने की कोशिश करते थे, पर हर बार सिंडिकेट वाले अड़ंगा डाल देते थे। अब हम वादा करते हैं कि अगले गणतंत्र दिवस पर सूर्य को निकाल कर बताएंगे। एक सिंडिकेटी पास खड़ा सुन रहा था, वह बोल पड़ा, ये लेडी प्रधानमंत्री कम्युनिस्टों के चक्कर में आ गई है, वही उसे उकसा रहे हैं कि सूर्य को निकालो। उन्हें उम्मीद है कि बादलों के पीछे से उनका प्यारा लाल सूरज निकलेगा। हम कहते हैं कि सूर्य को निकालने की क्या जरूरत है, क्या बादलों को हटाने से काम नहीं चल सकता। मैं संसोपाई भाई से पूछता हूँ, वह कहता है सूर्य गैर कांग्रेसवाद पर अमल कर रहा है, उसने डॉक्टर लोहिया के कहने पर हमारा पार्टी फॉर्म दिया था, कांग्रेसी प्रधानमंत्री को सलामी लेते वह कैसे देख सकता है, किसी गैर कांग्रेसी को प्रधानमंत्री बना दो तो सूर्य क्या उसके बच्चे भी निकल पड़ेंगे। जनसंधि भाई से पूछा, उसने कहा सूर्य सेक्युलर होता तो इस सरकार की परेड में निकल आता, इस सरकार से आशा मत करो कि भगवान अंशुमाली को निकाल सकेगी, हमारे राज्य में ही सूर्य निकलेगा, समयवादी ने मुझसे साफ कहा। यह सब CIA का षड्यंत्र है, 7वें बड़े से बादल दिल्ली भेजे जाते हैं। स्वतंत्र पार्टी के नेता ने कहा, रूस का पिछलग्गू बनने का और क्या नतीजा होगा। पर सोपा भाई ने अनमने ढंग से कहा, सवाल पेचीदा है, नेशनल काउंसिल की अगली बैठक में इसका फैसला होगा, तब बताऊंगा। राजा जी से मैं मिल ना सका, मिलता तो वे इसके सिवा क्या कहते कि इस राज में तारे निकलते हैं, यही गनीमत है। मैं इंतजार करूंगा जब भी सूर्य निकले। स्वतंत्रता दिवस भी तो भरी बरसात में होता है, अंग्रेज बहुत चलाक हैं, भरी बरसात में स्वतंत्र करके चले गए, उस कपटी प्रेमी की तरह भागे जो प्रेमिका का छाता भी ले जाए। वह बेचारी भीगती
बस स्टैंड जाती है तो उसे प्रेमी की नहीं छाता चोर की याद सताती है। स्वतंत्रता दिवस भीगता है और गणतंत्र दिवस ठिठुरता है। मैं ओवरकोट में हाथ डाले परेड देखता हूँ। प्रधानमंत्री किसी विदेशी मेहमान के साथ खुली गाड़ी में निकलती है। रेडियो टिकनिकार कहता है घोर करतल ध्वनि हो रही है। मैं देख रहा हूँ नहीं हो रही है, हम सब तो कोर्ट में हाथ डाले बैठे, बाहर निकालने का जी नहीं हो रहा है, हाथ अकड़ जाएंगे, लेकिन हम नहीं बचा रहे हैं। फिर भी तालियां बज रही हैं। मैदान में जमीन पर बैठे हुए लोग बजा रहे हैं जिनके पास हाथ गर्म करने के लिए कोट नहीं है। लगता है गणतंत्र थिथुरते हुए हाथों की तालियों पर टिका है। गणतंत्र को उन्हीं हाथों की ताली मिलती है जिनके मालिक के पास छिपाने के लिए गर्म कपड़ा नहीं है। पर कुछ लोग कहते हैं गरीबी मिटनी चाहिए, तभी दूसरे कहते हैं ऐसा कहने वाले प्रजातंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। गणतंत्र समारोह में हर राज्य की झांकी निकलती है, ये अपने राज्य की सही प्रतिनिधित्व नहीं करते। सत्यमेव जयते हमारा मोटो है, मगर झांकियां झूठ बोलती हैं। इनमें विकास कार्य, जनजीवन, इतिहास आदि रहते हैं। असल में हर राज्य को उस विशिष्ट बात को यहाँ प्रदर्शित करना चाहिए जिसके कारण पिछले साल वह राज्य मशहूर हुआ। गुजरात की झांकी में इस साल दंगे का दृश्य होना चाहिए, जलता हुआ घर और आग में झोंके जाते बच्चे। पिछले साल मैंने उम्मीद की थी कि आंध्र की झांकी में हरिजन जलते हुए दिखाई देंगे, मगर ऐसा नहीं दिखा। ये कितना बड़ा झूठ है कि कोई राज्य दंगे के कारण अंतर्राष्ट्रीय झांकी पाए, लेकिन झांकी सजाए लघु उद्योगों को। दंगे से अच्छा गृह उद्योग तो इस देश में दूसरा है नहीं। मेरे मध्य प्रदेश ने 2 साल पहले सत्य के नजदीक पहुंचने की कोशिश की थी। झांकी में अकाल राहत कार्य बतलाए गए थे, पर सत्य अधूरा रह गया था। मध्य प्रदेश उस साल राहत कार्यों के कारण नहीं, राहत कार्यों में घपले के कारण मशहूर हुआ था। मेरा सुझाव माना जाता तो मैं झांकी में झूठे मस्टर रोल भरते दिखाता, चुकारा करने वाले का अंगूठा हजारों मूर्खों के नाम के आगे लगवाता, नेता अफसर ठेकेदारों के बीच लेन देन का दृश्य दिखाता। उस झांकी में वह बात नहीं थी। पिछले साल स्कूलों में टाट पट्टी कांड से हमारा राज्य मशहूर हुआ। मैं पिछले साल की झांकी में यह दृश्य दिखाता, मंत्री अफसर वगैरह खड़े हैं और टाट पट्टी खा रहे हैं। जो हाल झांकियों का वही घोषणाओं का। हर साल घोषणा की जाती है कि समाजवाद आ रहा है, पर अभी तक नहीं आया, कहाँ अटक गया। लगभग सभी दल समाजवाद लाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं आ रहा। मैं एक सपना देखता हूँ, समाजवाद आ गया है और वो बस्ती के बाहर टीले पे खड़ा है। बस्ती के लोग आरती सजाकर उसका स्वागत करने को तैयार खड़े हैं, पर टीले को घेरे खड़े हैं कई समाजवादी। उनमें से हर एक लोगों से कहकर आया है कि समाजवाद को हाथ पकड़कर मैं ही लाऊंगा। समाजवाद टीले से चिल्लाता है मुझे बस्ती में ले चलो, मगर टीले को घेरे समाजवादी कहते हैं पहले ये तय होगा कि कौन तेरा हाथ पकड़कर ले जाएगा। समाजवाद की घेराबंदी कर रखी है। ससोपा प्रसोपा वाले जनतांत्रिक समाजवादी हैं, पीपल्स डेमोक्रेसी और नेशनल डेमोक्रेसी वाले क्रांतिकारी समाजवादी हैं। हर एक समाजवाद का हाथ पकड़कर उसे बस्ती में ले जाकर लोगों से कहना चाहता है लो मैं समाजवाद ले आया। समाजवाद परेशान है, उधर जनता भी परेशान है। समाजवाद आने को तैयार खड़ा है, मगर समाजवादियों में आपस में गोलगप्पा हो रहा है। समाजवाद एक तरफ उतरना चाहता है कि उस पर पत्थर पड़ने लगे, खबरदार उधर से मत जाना। एक समाजवादी उसका एक हाथ पकड़ता है तो दूसरा हाथ पकड़कर खींचता है, तब बाकी समाजवादी छीना छप्पी करके हाथ छुड़ा देते हैं। लहू लुहान समाजवाद टीले पर खड़ा है। इस देश में जो जिसके लिए प्रतिबद्ध है वही उसे नष्ट कर रहा है। लेखक की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध लोग ही लेखक की स्वतंत्रता छीन रहे हैं। सहकारिता के लिए प्रतिबद्ध इस आंदोलन के लोग ही सहकारिता को नष्ट कर रहे हैं। सहकारिता तो एक स्पिरिट है,
सब मिलकर सहकारिता पूर्वक खाने लगते हैं और आंदोलन को नष्ट कर देते हैं। समाजवाद को समाजवादी ही रोके हुए हैं। यूं प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है कि अब समाजवाद आ ही रहा है। मैं एक कल्पना कर रहा हूँ, दिल्ली में फरमान जारी हो गया, समाजवाद सारे देश के दौरे पर निकल रहा है, उसे सब जगह पहुँचाया जाए, उसके स्वागत और सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया जाए। एक सचिव दूसरे सचिव से कहेगा, लो ये एक और VIP आ रहे हैं, अब इनका इंतजाम करो, नाक में दम है। कलेक्टरों का हुक्म चल जाएगा, कलेक्टर SDO को लिखेगा, SDO तहसीलदार को, पुलिस दफ्तरों में फरमान पहुंचेंगे, समाजवाद की सुरक्षा की तैयारी करो। दफ्तरों में बड़े बाबू छोटे बाबू से कहेंगे, कहो तो तिवारी बाबू, एक कोई समाजवाद वाला कागज आया था ना, जरा निकालो। तिवारी बाबू कागज निकाल कर देंगे। बड़े बाबू फिर से कहेंगे, अरे वो समाजवाद तो परसों ही निकल गया, कोई लेने नहीं गया स्टेशन। तिवारी बाबू तुम कागज दबा कर रख लेते हो, बड़ी खराब आदत है तुम्हारी। तमाम अफसर लोग चीफ सेक्रेटरी से कहेंगे, सर समाजवाद बाद में नहीं आ सकता, बात यह है कि हम उसकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर सकेंगे, पूरा फोर्स दंगे से निपटने में लगा है। मुख्य सचिव दिल्ली लिख देगा, हम समाजवाद की सुरक्षा का इंतजाम करने में असमर्थ हैं, उसका आना अभी मुलतवी किया जाए। जिस शासन व्यवस्था में समाजवाद के आगमन के कागज दब जाएं और जो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था ना करे, उसके भरोसे समाजवाद लाना है तो ले आओ, मुझे खास एतराज नहीं है। जनता के द्वारा ना आकर अगर समाजवाद दफ्तरों के द्वारा आ गया तो एक ऐतिहासिक घटना हो जाएगी। ये थे श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित व्यंग रचना ठिठुरता हुआ गणतंत्र। हम सुनाते हैं, आप सुनिए नई नई कहानियां boltikahani.com पर, और एक एडल्ट सेक्शन भी है, आज ही डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप और मजा लीजिए कहानियों का।